जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। अरे ईश्वर से आए नाव, मतलब कि आवे नाव के चक्कर में, जो कि हम 79 नाव वाले हैं और बाकी 79 परिवार अभी बेरोजगार है। नगर परिषद ने हमें लाइसेंस देने की बोला था तो वो बता रहे कि कलेक्टर साहब अभी अनुमति नहीं दे रहे लाइसेंस बनाने की, तो हम आवेदन देने आए हैं ओंकारेश्वर से कलेक्टर साहब को। कितने लोगों को अभी तक इन्होंने अनुशंसा कर दी है या परमिशन दी है? अभी 15 लाइसेंस तो बने हुए हैं और बाकी 79 लोगों को बनाने के बोला था, तो अभी हमारे लाइसेंस बने नहीं है। कितने दिन से आप बेरोजगार हो रहे, क्या है, कब से बेरोजगार? ऐसे तो हमने तो 2 साल हो गए आवेदन दिए हुए नगर परिषद में, लेकिन क्या है, अब कलेक्टर साहब का आदेश आ गया तो बने। अब क्या परिषद से नाव चला रहे हैं आप लोग, कितने परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं? हमको तो बचपन से नाव ही चला रहे हैं ना, जन्म लिया ओंकारेश्वर में हमने, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही ना, 2 साल से तो आवेदन दे रखे। कितने परिवार जुड़े हुए हैं आप लोगों से? 79 तो नाव मालिक है, 79 नाव मालिक है और बाकी ऐसे तो लाइसेंसधारी भी नाव है हमारी, जो 79 लाइसेंस है उनमें करीबन 60 तो नाव लाइसेंसधारी भी है चप्पू चलित के, तो उनके भी लाइसेंस बना के देना चाहिए ना। बेरोजगार घूम रहे अभी हम 2 महीने से, परेशान है ज़्यादा। अपना नाम क्या? नाम बता। सुनील मंडलोई ओंकारेश्वर से। लाइसेंस क्यों नहीं दिए, क्या कारण है? 2-3-5 आदमी की वहाँ समिति बनी हुई है, उसमें 3 आदमी हमारे पक्ष में हैं, 2 आदमी हमारे पक्ष में नहीं हैं। कमल और भोला, उनके पिताजी के नाम शायद मेरे को याद नहीं है, वो लोगों ने यहाँ आपत्ति लगाई है। नगर परिषद ओंकारेश्वर में जितने भी परिषद है अध्यक्ष है वो सब हमारे पक्ष में है, मगर ये 2 आदमियों ने आपत्ति लगाई है। आपत्ति वो चाहते हैं यहाँ सामाजिक स्थल से कि ये सिर्फ हमारी समाज वालों के बने, हम भील समाज, भिराला आदिवासी समाज से आते हैं, वो चाहते हैं कि इनके नहीं बने। वो कौन से समाज से? वो केवट समाज से हैं। मतलब क्या जातिवाद चल रहा है? जातिवाद के हिसाब से हम लोगों के बनने नहीं दे रहे। 2-3 साल हो गए मेरे को खुद को नाव डाले को, 3 साल का आवेदन मैंने दिया है नगर परिषद, किसी का 5 साल का भी है, 10 साल भी है। तो ये 2-3 आदमियों की वजह से कलेक्टर ये नाविक संघ को खुदे को घेर लेते हैं, जबकि एक कि हम नाविक संघ है, नाविक संघ के हिसाब से हम लोगों के लाइसेंस इन्होंने और हमारे यहाँ नगर परिषद ने भी मंजूरी दे दी है लाइसेंस बनाने की, मगर फिर अभी लाइसेंस दे रहे थे उस दिन, फिर ये लोग 12 तारीख को आए और फिर आपत्ति लगा दी इन्होंने 13 तारीख। फिर सभी विधायक जी वगैरह सभी लोग आते हैं तो बोलते कि तुम्हारे लोग तो आपत्ति लगा रहे हैं, तो बोले लाइसेंस कैसे दें, आप कलेक्टर साहब बोल देंगे तो हमको लाइसेंस मिल जाएगा, इसलिए 13 तारीख को मीटिंग थी ओंकारेश्वर परिषद में, 13 तारीख को लाइसेंस बनने की मंजूरी हो चुकी थी, 12 तारीख को ये चुपचाप से 2 आदमी आए और इन्होंने कलेक्टर महोदय जी को यहाँ खंडवा में आवेदन दे दिया है, ओंकारेश्वर में 12 तारीख को आवेदन दे दिया है कि इन लोगों के लाइसेंस नहीं बनाए जाए। अभी आपकी नाव चलने दे रहे कि बंद पड़ी है ना नावे, जब भी आता जब मैडम परिषद के जाते हैं तो इंजन उठा के जब्त कर लिए, इंजन भी जब्त है, बेरोजगार है। मैंने 2 लाख रुपए स्वरोजगार से लोन लिया है, मेरे पास उसकी काफ़ियाँ हैं, लोन कैसे भरूँ मैं 2 साल से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार से मैंने लोन लिया है। और वो भोला राम केवल मेरा नाम है राधेश, वह संवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है क्योंकि पूर्व में 2022 में उन्होंने इस्तीफा दे चुका है और इस्तीफा देने का भी हमारे पास उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया, उसकी काफी भी प्रतिलिपि काफी भी, उसके बाद में भी आपत्ति लगा दिया है। अच्छा, तो समिति अमिति नहीं बनी? समिति नहीं बनी ना, बस वही है, हम सब नाव वाले हैं। समिति जो उन्होंने 174 नाव वाले हैं उनकी समिति बनी हुई है, तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो वो हम कुछ बोलते बोले तुम समिति में नहीं आते, बोले तुम विरोध कर सकते हो, अवैध करार कोर्ट चले जाओ, अवैध वही करना है तो कोर्ट में चले जाओ ना, कोर्ट जाओ। नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी,
खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।